हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम लोग ट्रेड फेयर को एक्सप्लोर करेंगे और मैं रोहिणी वेस्ट के मेट्रो स्टेशन पे हूँ। ये मैंने 80 रुपीज़ का एडल्ट पास लिया है और इधर ये मेरी मेट्रो आ चुकी है। तो चलो आज एक्सप्लोर करते हैं आपको ट्रेड फेयर लेके चलते हैं। ट्रेड फेयर जाने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस जो आपको मिलेगा ट्रेड फेयर 5 मिनट्स का, आई थिंक वॉकिंग डिस्टेंस है। और हर मेट्रो स्टेशन पे अवेलेबल है एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, वहाँ पर ये टिकट्स अवेलेबल है। ट्रेड फेयर की जो डेट्स हैं वो है 14 नवंबर to 27 नवंबर तक, और जो उसका टाइमिंग है वो है 10 AM to 7:30 PM तक। और मैं कश्मीरी गेट आ चुकी हूँ। यहाँ से जो है मैं चेंज करूँगी मेट्रो। अगर आप रेड लाइन से आ रहे हो तो आपको कश्मीरी गेट पे आके मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी। आपको पकड़नी पड़ेगी येलो या वॉयलेट लाइन। अगर येलो लाइन पकड़ोगे तो राजीव चौक जाना पड़ेगा, और वॉयलेट लाइन पकड़ोगे तो आपको उतरना पड़ेगा मंडी हाउस। और अभी कश्मीरी गेट पर हम लोग भीड़ देख ही सकते हैं जो हमेशा ही रहती है। अब कश्मीरी गेट पर रुक के थोड़ा सा पेटिस भी खा लिया जाए। वीकडेज पे जो है एडल्ट की टिकट्स यहाँ पे 80 रुपीज़ है, और जो चिल्ड्रन पार्टी है उसकी टिकट यहाँ पर है 40 रुपीज़। बट वीकेंड्स पे एडल्ट की जो टिकट्स हैं वो है 500, और जो चिल्ड्रन पार्टी की टिकट है वो है 150 रुपीज़। तो आप उसी अकॉर्डिंग प्लान करना। अभी 10 मैंने एंट्री ले ली है, और एंट्री करते ही आपको ये साइन बोर्ड मिल जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है किस फ्लोर पे किस ग्राउंड में, मतलब हॉल नंबर 2, 3, 4, 5 फर्स्ट फ्लोर और न्यू कॉम्प्लेक्शन में क्या क्या अवेलेबल है, और 7th पे और 8 नंबर और 12 नंबर स्टॉल पे क्या क्या अवेलेबल है। अभी मैंने जो एंट्री करी है वो 12 नंबर पे एंट्री करी है, और वहाँ पर वो एंट्री करते ही सामने ही एक ज्वेलरी का स्टॉल लगा हुआ था, और वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे ऑर्थोडॉक्स वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे वुमेन की ज्वेलरी थी। और ये होल नंबर 12A है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, घरेलू उपकरण, फुटवेयर और आईटी से रिलेटेड कुछ सामान था। बट जब मैं इधर अंदर गई स्टॉल में, मुझे आईटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला। ज़्यादातर इस बार सारी शॉप्स के अंदर जो भी आपके शॉपिंग से रिलेटेड ही सामान थे जो इसके अंदर दिखा रखा था, जैसे स्टेट वाइज वगैरह, ऐसा ना कुछ स्टेट वाइज जो स्टेट्स में फेमस होता है उतना कुछ उसके अंदर नहीं था। जैसे मैं आई तो यहाँ पे ये अनुज ट्रेडर्स था, यहाँ पे ये हर्ब्स वगैरह सेल कर रहे थे, जैसे किसी को वेट लॉस कर। फिर यहाँ पर मैंने देखा था इधर ये अफगान का एक स्टॉल लगा हुआ था, ये लोग ड्राई फ्रूट्स मतलब सेल कर रहे थे, और इनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी थी, और इनके पास काफ़ी सारे अलग अलग ड्राई फ्रूट्स थे, जैसे अंजीर है, ब्लैक वाली किशमिश, बड़ी वाली किशमिश थी, अखरोट थे। फिर साइड में ये प्रीमियम टेक्सटाइल का एक स्टॉल लगा हुआ था, और वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब अलग अलग टाइप के वूलन क्लोथ्स वगैरह और ये सब चीज़ें लगी हुई थी। और भीड़ तो आप देख ही सकते हो, जनरली वीकेंड्स पे वीकडेज पे जब इतनी भीड़ है, आई थिंक तो वीकेंड्स पे तो क्या ही होगा। वैसे भी 27 इसका लास्ट डे है, और 27 को जो टाइमिंग्स हैं वो है 10 बजे से 4:30 बजे तक, वो 7:30 बजे तक नहीं है, ठीक है। तो इधर क्रॉक्स का भी एक वो लगा हुआ था स्टॉल, और वहाँ पे क्रॉक्स पे 40% का डिस्काउंट चल रहा था, और यहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तो थे देखने के लिए, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लगे हुए थे, गीजर, और यहाँ पे एक स्टॉल था जहाँ पे काफ़ी सारे वुलन के जो थे वुलन के सूट्स वगैरह अवेलेबल थे लेडीज़ के। और इधर ये लेडीज़ का हार्श एंड हैंडीक्राफ्ट का एक स्टॉल था, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे प्रिटी प्रिटी बैग्स थे गर्ल्स के, और कुशंस भी थे स्क्वायर में, छोटे वाले कुशंस। और एक मुझे ये यूनिक चीज़ दिखी थी, जैसे बोल रहे थे गैस एंड ग्रिल, मतलब ये गैस के ऊपर इसको आप ग्रिल की तरह यूज़ कर सकते हो। फिर आगे जाके मैंने देखा था यहाँ पे ये टाइटन का भी एक वो लगा हुआ था स्टॉल, यहाँ पे सारे टाइटन फास्ट ट्रैक के सनग्लासेस थे, और यहाँ पे सारे स्किन के परफ्यूम थे। ये एक स्पेशली मतलब इनका फास्ट ट्रैक टाइटन और इन सब का एक स्टॉल लगा हुआ था। इधर प्यारे प्यारे काफ़ी प्यारे प्यारे, और इनकी फ्रेग्रेंस भी बहुत प्यारी प्यारी
प्यारी प्यारी थी जितने भी परफ्यूम्स थे, और इधर सारे वॉचेस लगे हुए थे टाइटन के, फास्ट ट्रैक के और स्किन के। और मैं जब थोड़ी आगे गई तो यहाँ पे ये लगा हुआ था, एक और हॉल था आई थिंक इसका नंबर था 11। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स लगे हुए थे, ये छोटा सा टमाटो भी था। और ये सारा जो था ये नारियल का जो होता है ना, आई थिंक पता नहीं, नारियल का जो बुरादा निकलता है नारियल से, ये सब उसका बना हुआ था सारा। जितना भी है नारियल का वेस्टेज जो होता है, जो कोकोनट होता है, जो पका हुआ होता है, ये सारा उसका बना हुआ था। ये देखो ये मिनी फाइबर एक्सट्रैक्शन मशीन लगी हुई थी, तो ये भैया इधर नारियल को उसमें डाल रहे थे, फिर वो क्रश कर रही थी मशीन, और उसके बाद जो उसका वो निकलता है फाइबर, उससे वो रस्सी को बना रहे थे। ये भी सारा इंडोर प्लांट था। ये रही वो मशीन, अभी देखो मैं दिखाऊंगी। ये यहाँ पे इन्होंने नारियल डाला और उसका इन्होंने फाइबर, ये फाइबर निकलना स्टार्ट हो गया इससे। अभी ये अंकल जो है इन्होंने फाइबर को कलेक्ट करा, अब इन्होंने इसको मोल्ड करना स्टार्ट किया। तो ये एक रस्सी, जूट की रस्सी जिसे बोलते ना, ये नारियल के फाइबर की रस्सी थी। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, जो चीज़ हम लोग फेंक देते हैं ये उसको रिसाइकल करके और इको फ्रेंडली चीज़ें बनाते हैं। ये आप देख ही सकते हो फाइबर से किस तरीके से वो रस्सी बनती जा रही है, वो बस हैंड्स को मूव कर रहे हैं और वो रस्सी अपने आप बनती हुई जा रही है। और फिर इसी रस्सी से वो जो गांव में लोग चारपाई जैसे बोलते हैं, वो इसी वाली रस्सी से चारपाई बनती है इसकी। और ये आंटी, ये जो जो मशीन के अंदर से जो फाइबर निकल रहा था, ये सारा वो जो फाइबर वहाँ पे वेस्ट हो रहा था, वो आंटियाँ वहाँ से ये लोग कलेक्ट करते हैं और फिर इससे ये बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। ये आंटी ने जैसे बनाया ना, ये आई थिंक चिड़ियों के लिए जो घर घोंसला टाइप का था, ये आंटी वो बना रही थी। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इसी के ही वो बने हुए थे, टॉयज भी उन्होंने बना रखे थे। मगरमच्छ की शेप थी, ये पूरा ऐसे बन के ऐसे तैयार हो जाता है। मतलब वो लोग अंदर भी कुछ भी वेस्ट नहीं कर रहे थे, सारा जो भी वो वहाँ पे डैमो के लिए भी जो दिखा रहे थे ये लोग उसको भी यूज़ कर रहे थे। ये क्रोकोडाइल बना हुआ था इधर, ये घोड़े और ये सब भी बहुत सारे बड़े थे। ये छोटे से क्यूट से गणेश जी बना रखे थे इन्होंने, और मैंने यहाँ पे देखा था साइड में हट भी बना हुआ था। ये सारा भी जो है वो भी वेस्ट मटीरियल से बना हुआ है, पूरा कार्डबोर्ड का जो गणेश जी का मंदिर है ये भी उन्होंने वेस्ट मटीरियल से ही बना रखा है। और ये चुक्की और अम्ब्रेला है, ये भी सारा वेस्ट मटीरियल से बना हुआ है। इवन कि जो इस कुर्ते के ऊपर ये बटन्स भी लगे हुए हैं ना, ये भी सारे नारियल के उससे ही बना हुआ है, फाइबर से, मेड बाय कोकोनट फाइबर। ये बहुत अट्रैक्टिव चीज़ मुझे लगी कि मतलब आप बटन्स भी बना सकते हो उससे। और आगे जाके ये ज्वेलरी का स्टोर था, यहाँ पे काफ़ी सारी सिल्वर और ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी अवेलेबल थी और काफ़ी रीजनेबल प्राइस थे। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मतलब बहुत ज़्यादा महंगी थी, बट हाँ अगर आप मतलब बजट फ्रेंडली अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप कर सकते हो, वन टाइम शॉपिंग के लिए ठीक था ये। स्टॉल के बाहर ये बुद्ध की बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें बनाई थी, जो इन्होंने खुद हाथों से बनाई हुई थी। ये सारी हैंडमेड है, प्योर वुड की हैंडमेड मूर्तियाँ। ये वाली भी सारी वुड की हैंडमेड मूर्तियाँ थी। ये गणेश जी की मूर्ति भी बहुत प्यारी थी, बहुत मतलब जो इसके अंदर कारीगरी की थी वो बहुत अच्छी थी। इधर ये एक रंगोली महिला केंद्र था, ये जितने भी रंगोली के पैटर्न बनाए हुए हैं ये सारे वुमेंस ने बना रखे हैं, जो रूलर की वुमेंस होती है, जो गांव की औरतें हो रखी हैं उन्होंने ये बनाए हुए हैं। इन लोगों का मतलब था कि ये मतलब जो लेडीज़ होती हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, उनको कुछ काम दे सके और वो अपनी रोज़ी रोटी चला सके, उसके लिए उन्होंने वो खेल खोला हुआ था। इधर ही साइड में ये स्टॉल था जहाँ पे ये बुक्स और बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट आइटम के बॉक्स थे, और ये एक अंकल थे वहाँ पे जो बहुत प्यारा पियानो बजा रहे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। यहाँ पे इन्होंने अपना नंबर भी मेंशन कर रखा था, अगर आपको पार्टीज़ वगैरह में
कभी अंकल को बुलाना हो या आपको इस टाइप की चीज़ें पसंद हो तो आप इन्हें बुला सकते हो कॉल करके। और ये ज़्यादा मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा था कि जो जूट के बोरे होते हैं आई थिंक जिसमें सब्जी वगैरह आती है, ये उससे बने हुए थे। ये जितने भी आपको ये की चेन्स वगैरह दिखाई दे रही है ये सब उससे बने हुए थे। और अब हम लोग जो है वो हॉल नंबर 2, 3, 4, 5 में एंटर करने जा रहे हैं। और जो ये न्यू कॉम्प्लेक्शन में जो बना हुआ है वो वाला है। यहाँ पे पहले तो GST का सब कुछ लगाया हुआ था इन्होंने, सारे गवर्नमेंट के ही स्टॉल थे 5 नंबर पे। जैसे ये है म्यूचुअल फंड्स का था, फिर उसके आगे जाके ये यहाँ पे सारा शॉपिंग का स्टार्ट हो गया था। तो इधर काफ़ी प्यारी प्यारी लाइट्स थी और इधर जो ये सेल कर रहे थे वो आई थिंक आई डोंट नो कि अफगान के लोग थे या तुर्किश के थे या जहाँ के भी थे, बट इनके पास जो क्रॉकरीज थी वो बहुत प्यारी प्यारी थी, बट रेट बहुत हाई थे, बहुत ज़्यादा हाई। ये सारे वो थे जो नज़र के लिए लगाते हैं, आउल वगैरह ये सब। और इधर काफ़ी इनके पास रिंग्स के भी कलेक्शंस अवेलेबल थे। और यहाँ से फिर पूरी ड्राई फ्रूट की मार्केट स्टार्ट हो गई थी। जैसे ये अंजीर थी, ये रेड वाले थे, और ये जो ये वाला टर्टल था ना, इसका प्राइस भैया ने बोला था 3 लाख रुपये। मतलब ये ओनिक्स का आगे, ये झारखंड का एक स्टेट का, झारखंड स्टेट का वो लगा हुआ था स्टॉल। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ माइन एंड जियोलॉजी ऑफ झारखंड के थे। इधर बहुत अलग अलग पत्थर उन्होंने रखे हुए थे कलेक्ट करके। ये वाला जो था ये माइका का था, और ये वाला जो है वो एमरल्ड था, और इसके साथ वाला जो है इस वाले पत्थर से ये लोग गोल्ड कलेक्ट करते हैं। ये महाराष्ट्र का स्टॉल था, ये बिहार का स्टॉल है। इधर सारा जो ये बिहार का स्टॉल था, इधर सारे बाहर में मधुबनी के इन्होंने पेंटिंग्स लगाई हुई थी। और बिहार पे अभी जो जो मतलब न्यू कंस्ट्रक्शन वगैरह हुई है या जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो सारे इन्होंने बाहर लगा रखा था। काफ़ी बड़ा इन्होंने स्टॉल बना रखा था बिहार का। ये देखो ये सारी मधुबनी की पेंटिंग्स हैं, और कुछ बना रही है जैसे कड़े और ये रोटी वगैरह रखने का था। वहीं आगे ये जूस वगैरह की शॉप भी थी। और यहाँ से जो मैंने स्टार्ट की, यहाँ पे सारी मधुबनी की पेंटिंग्स थी। बिहार के मोस्टली स्टॉल पे ये चीज़ें अवेलेबल थी, और ये डॉल्स भी काफ़ी क्यूट लगती थी। ये भी अंकल ने मुझे बताया कि वेस्टर्न से बनी है, और यहाँ पे ये पीतल की मूर्तियाँ थी सारी, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टैचू थे। ये दुर्गा माँ का एक पूरा स्टैचू था। ये वेस्ट बंगाल का जो हमारा वो था स्टॉल, उसके बाहर बनी हुई थी। तभी वेस्ट बंगाल में हमने एंटर किया। तो आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे इन्होंने अंदर स्टॉल्स लगाए हुए हैं छोटे छोटे। कितना प्यारा एक फेस था, और ये उन्होंने एंट्री पे ही लगा रखा। रसगुल्ला का भी है, और ये दुर्गा माँ की बहुत प्यारी तस्वीर लगा रखी थी। और ये छत्तीसगढ़ का स्टॉल है, और उसकी एंट्री पे, छत्तीसगढ़ की एंट्री पे इन्होंने ये लगा रखा था, जो वहाँ पे लोग करते हैं बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये सब चीज़ें। और ये फिर छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स, और फिर ये हिमाचल प्रदेश का स्टॉल था। काफ़ी स्टेट्स के स्टॉल्स थे, बट बहुत छोटे छोटे थे, बहुत लिमिटेड जगह में वो बना रखे थे। ये अंदर घुसते बस इतना ही था, ये अंदर घुसते ही ख़त्म हो गए ये स्टॉल। और उसके बिल्कुल सामने ये हिमाचल प्रदेश का एक स्टॉल लगा हुआ था, और ये जम्मू कश्मीर का था।
भी ज़्यादा बड़ा नहीं था जम्मू कश्मीर का, ये भी काफ़ी छोटा ही था। यहाँ पे ये लोग गाना वगैरह गा रहे थे, इधर इनकी पेंटिंग्स वगैरह बनती थी और यहाँ पे ये भैया इसका शॉल बना रहे थे, वीपिंग कर रहे थे। आगे चल के ये एक चंडीगढ़ का स्टॉल था, इसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था, ये भी शुरू होते ही ख़त्म हो गया था। मोस्टली शॉपिंग के लिए ही था, जैसे ये था डेकोरेटिव आइटम, फिर यहाँ पे की चेन्स वगैरह जो चंडीगढ़ में फेमस है वो वाले आइटम्स इधर अवेलेबल थे, कैंडल्स वगैरह अवेलेबल थी जो अरोमा कैंडल्स होती हैं, सेंटेड कैंडल जिन्हें बोलते हैं। और ये पेंटिंग्स लगी हुई थी, ये 3D पेंटिंग्स थी, फूड से बनी हुई थी, प्यारी थी देखने में। और यहाँ पे जो लेडीज थी वो हाथों से पेंट कर रहे थे, आई थिंक ये दुपट्टा था, तो ये दुपट्टे पे अंडी पेंट कर रही थी। ये लाइफ ऑफ सिल्क वॉर्म था, तो पहले ये एग में कन्वर्ट होता है, फिर ये इसका फर्स्ट इंस्टर था, फिर ये सेकंड इसका इंस्टर था, ये थर्ड था, ये फिर फोर्थ था, ये फिफ्थ था, और उसके बाद फिर ये एक बड़ी वाली जो सिल्क वॉर्म का कीड़ा है, ये इतना मतलब बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये पूरा इन्होंने शो कर रखा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये काफ़ी अलग अलग टाइप के बटरफ्लाइज और पता नहीं क्या इंसेक्ट इन्होंने प्रिजर्व कर रखे थे, और इन्हीं से ही सिल्क निकलता है, जो आप सिल्क की शॉल या सिल्क की साड़ी ये सब पहनते हो ये सारा इन्होंने इसके अंदर मेंशन करा हुआ है। इन्होंने काफ़ी अलग अलग कीड़ों के जो वो थे ककून वो यहाँ पे रखे हुए थे, प्रिजर्व कर रखे थे। फिर ये लोग क्या करते हैं मतलब इनको इसके अंदर उबालते पानी के अंदर, और इसी के एक धागे को इस मशीन के अंदर डालकर फिर उस मशीन से वो पूरा सिल्क का धागा बनता है, और फिर उस सिल्क के धागे से वो साड़ी और शॉल वगैरह बनती है। केरला का जो स्टॉल था ये बहुत प्यारा था, इन्होंने पूरी एक बड़ी सी शिप बना रखी थी उसके उधर, और एक कथकली का एक उन्होंने वो बना रखा था स्टैचू, हरियाणा हमारा